अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सूरत का सेकेंड डे और हम लोग बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हैं, बावन गज दरगाह। आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत फेमस है और सूरत में है। तो मैं मेरे बेटे को लेकर जा रही हूँ ज़ियारत के लिए। और मैं जब यहाँ आई हूँ तो मैं तो जाकर आई हूँ पहले भी, लेकिन आज मेरे बेटे को भी लेकर जा रही हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों को भी शामिल करूँगी, क्योंकि मैं जब भी जहाँ चीज़ ऐसी जगहों पर जाती हूँ तो एक ब्लॉग ज़रूर बनाती हूँ। बिकॉज सब्सक्राइब के लिए नहीं होता ये चीज़ होता है कि आप तक ये चीज़ पहुँचाओ। चलो हो गए हम लोग रेडी और अब हम निकल रहे हैं बावनगंज की दरगाह के लिए। उसके पहले हम जाएंगे चौक मार्केट ना, अमीन भाई का फेवरेट है, फोन का कवर उन्होंने देखा है सूरत में, तो हम पहले जाएंगे वो शॉप पे और मेरी बहन के लिए, मेरे घर के लिए थोड़ी शॉपिंग करनी है, वो शॉपिंग करेंगे, उसके बाद जाएंगे दरगाह, उसके बाद खाएंगे खाना, उसके बाद निकलेंगे मुंबई। ये तैमी व्याट बगाम से चलो निकले थे तो इनको चाय की तरफ लगे, चाय का ऑर्डर किए, बिल पे करने थे, तो लॉबी में बैठे हम लोग चाय पीने के लिए और मस्त नेचुरल हवा आ रही है और मुझे देख के ऐसा फील हो रहा होगा कि मेरे बाल उड़ रहे हैं, है ना, तो मतलब नेचुरल हवा आ रही है और चाय भी बहुत अच्छी है, लॉबी भी बहुत अच्छी है। तो अगर हम लोग का रात का जाना नहीं हुआ फिर लौट के यहीं आने वाले हैं। मस्त वाला जो मैं ड्रेस मुझे पसंद है वर्षा जी, तो उसके मैंने कवर भी लगाई, दिखाओ आपको स्पेशल सूरत वर्षा जी की स्किन लगाई है मेरे फोन में, अमीन भाई के फोन में, मेरा फोन से तो शूट हो रहा तो मैं आपको मिरर में दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा लगाई है। अमीन भाई थोड़ा स्माइल भी तो करो यार, ये देखो ये वाला मेरा है और अमीन का, तो मैं खुद ही दिखाऊंगी हाथ में पकड़ के। और अमीन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, ये देखिए ये अमीन की स्किन इस पे चढ़ गई है, इनका फोन है, ये इनका स्किन वाला है और ये वाली प्रिंट मुझे बहुत पसंद है, ये वाले वर्षा जी मुझे बहुत पसंद है। तो देखो कवर अभी तक तो फोन तक आ चुका है, पहले बॉडी फिर फोन, पता नहीं कहाँ कहाँ वर्षा जी लगेगा। सूरत में आए और इधर नहीं आए ये तो हो ही नहीं सकता। ढोकला तो अपनी जान है सूरत की, अभी वो सब ले रहे रेडी बताएंगे आपको। देखो रेडी हो रहा है हम लोग का ऑर्डर, वो इधर ही भरे उसमें मस्का उसका भी देखो एकदम अच्छा मस्का डालेंगे अभी उसमें और फूल दिखाएगा। पार्सल ले लिए राधे से,
डैडी भी लेके आएगा, मैं बैठ रहा हूँ, फिर मम्मी बताएगी आपको अंदर का सब। सूरत का मेरा फेवरेट है, फेवरेट मैं वही बोला, मुझे जब लाए तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं वही बोला इधर आए और इधर खाई गए, ऐसा हो नहीं सकता है कभी। निकालो मम्मी। हाँ हाँ चलो, ये देखो तो ये कौन सा शॉप है? ये आधे ढोकले में से लिया। मेरी फेवरेट क्या है उधर? ये पनीर चिल्ली। और अमीन की? अमीन की ये इधड़े और ढोकले। ये चटनी अभी निकाल रही हूँ। और हम लोग पता है कहाँ पे हमारी पार्टी कर रहे? डच गार्डन मेन रोड। देखो बाहर का व्यू देखो कितना मस्त दिख रहा है, और मस्त ठंडा ठंडा एसी कूल चालू करके गाड़ी में हम लोग गरम गरम पनीर चिल्ली खा रहे हैं। और दिखा हमारी गाड़ी का, आज हमेशा हम हमारा रूम दिखाते, आज हमारी गाड़ी देख लो। और देखो बैक साइड का भी व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बात बताओ क्या, आपके साथ एक बातें शेयर करूँ? जब नया नया अयुब मेरे साथ में बातचीत शुरू होती थी, अयुब यहीं बैठती है, यही गार्डन में बैठ के सुबह इसके साथ बात करता रहता है। देखो राइट साइड पे गार्डन है, देखो ये गार्डन में सुबह सुबह बैठ के बात करता रहता था। और क्या करते थे? और दाने डालता था और इसको दाने डालता था। जाने का प्लान था अभी क्या हो रहा है। दुनिया में आयो कदरदान, कुछ ऐसा करके जाओ हर गली से आवाज आओ अब्बा जान अब्बा जान। सही बोलते हैं। सूरत में ब्लॉग बना रही थी, देखो ये मेरे यहाँ के फैन, इन्होंने मुझे मेहंदी लगाई और मेरे इंस्टाग्राम पे इनकी आईडी और इनका नंबर छोड़ दो। जो भी आप चाहोगे इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो, प्लीज इनको कॉन्टेक्ट कीजिए। मैं भी चाहूंगी कि मेरे जरिए किसी को रोजी मिले और इनका जो अच्छा काम है वो आप तक पहुँचे। तो जजाक अल्लाह, शुक्रिया बेटा। और मैं अब यहाँ से निकल रही हूँ, ये जिनके घर पे खड़ी हूँ उन्होंने मेरी बहुत खातिरदारी करी और मेरे बहुत बड़े फैन है, मैंने कम से कम 100 सेल्फी ली, थक गई हूँ। हेलो, अभी मैं निकल गई हूँ सूरत से मुंबई जाने के लिए। मुंबई मैं तुझे मजा और भरोसा हाय का हाय हाय हाय। चलो मैं आ रही हूँ मेरे घर, और आप देख सकते हो कि मैं ऑन द वे ही हूँ। अब मैं नेशनल हाईवे पे बट टच होने वाली हूँ। मुझे यहाँ का सीनरी बहुत अच्छी लगती है, वहाँ पे विलेज है ये छोटा सा, और वहाँ देख सकते हो आपके वहाँ गन्ने का खेत है सब, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब सीन। और मुझे थोड़ा बीच रोड पे खड़े रहना, मस्ती करना, इंजॉय करना है, मतलब लाइफ में इंजॉय करना ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ नहीं देखती हूँ कि रोड है कि क्या, अपनी ज़िंदगी में इंजॉय होनी चाहिए। और आज वाला ये वाला जो ब्लॉक है सिर्फ इंजॉयमेंट, सूरत का सेकेंड डे था और मेरा इंजॉयमेंट था। मैंने काफ़ी परचेसिंग की, शॉपिंग की, मैंने साथ में इंजॉय किया। मेरे फ्रेंड्स वालों ने जो मुझे मिले थे बहुत रिस्पेक्ट की उन्होंने, थैंक यू सो मच। और बस अल्लाह उनको भी ऐसी खुश रखे जैसी मुझे इज्जत दी, अल्लाह दुनिया में उनको भी वैसी इज्जत मिले। अब यहाँ से मैं रवाना हो रही हूँ घर के लिए, दुआ कीजिए कि सही सलामत पहुँचूँ। रस्ते में मुझे कुछ अच्छा लगा तो ज़रूर कैच करूँगी, नहीं तो फिर मेरे घर मिलते। और ये देखो मेरे फैन ने मुझे मेहंदी लगाई है, ठीक है। चलिए आइए चलते हम लोग बैठने। और एक बात बताना बोल रही, मुझे इतना क्रेज है ना मेहंदी का, मैं हर जगह पे नंगे पैर घूम रही हूँ, बिकॉज मैं बहुत फैन हूँ मेहंदी की। मैं एकदम ओडी हो जाऊँ ना, एकदम स्क्रीन लटक जाए और मुझे कोई बोला कि आंटी मेहंदी लगा रहा, हाँ यस यस आ जाओ आ जाओ। चलिए चलते हैं। मेरा बेटा देखो, मैं थोड़ी सी एक झलक मेरे बेटे की भी दिखाऊंगी, बिकॉज बहुत स्मार्ट लग रहा है मेरा बेटा। अल्लाह ऐसे ही बेटा सबको देवे, बहुत अच्छा बेटा है मेरा। चलो आइए 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 तशरीफ लाइए, अब मेरा बेटा ड्राइव करने आएगा ना, कितना अच्छा है देखो रोड। ये स्मार्ट ही बेटा, चलो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट कर। अस्सलाम वालेकुम। सब मस्त। कल हम परसों सूरत वाला ब्लॉग डाली थी, कल फुल इंजॉय किया हमने सूरत में, और रात को आते आते थोड़ा टाइम हो गया, बहुत थक गए थे इसीलिए रात को उसका क्लिप नहीं ले सके घर आने का। तो अभी हमने नाश्ता किए, ये देखो ये मेरा किचन दिख रहा है आपको, और मेरे किचन में देखो सब
यामीन भाई अपने काम में लगे हुए हैं और जुम्मा का दिन है, सब तैयारी है नमाज की। अली भाई वहाँ पे नमाज के लिए तैयारी कर रहे हैं और मैंने सूरत में जो मेहंदी लगाई थी देखो उसका कलर भी चल रहा है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगेगा बिकॉज ये हमने सूरत में इंजॉय किया ना, इंजॉय किए। मेरे सब फैन जो लोग मिले थे उन लोगों से भी मुलाकात हुई, लोगों ने इतनी रिस्पेक्ट दी, लोगों ने इतना प्यार दिखाया और मुझे तो पता ही है कि लोग मुझे कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब आंखों के सामने वो चीज़ें आती है तो बहुत अच्छा लगता है दिल को। तो इंशाल्लाह हम लोगों को तो, मुझे तो ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है ये सब चीज़ें और मुझे पता है कि लोग मुझे बहुत इज्जत करते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं। ये उसी का तो अंजाम है कि मैं आज ये मकाम पर बैठी हूँ। तो जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। और इंशाल्लाह अब मैं ना सूरत में आपको एक छोटा सा क्लिक बताई थी कि हमने रात को डिनर पार्टी किए थे तो उसमें मैंने हमने खाए थे पिज़्ज़ा राइस, तो वो रेसिपी मैं ज़रूर अपने स्टाइल में आपको दिखाना चाहूँगी क्योंकि मेरा दिल है। जो मैं उसमें खाई तो मुझे थोड़ी सी कुछ चीज़ें अप डाउन लगी, कुछ कमी, कुछ एक्स्ट्रा समथिंग कुछ लगी, लेकिन मैं नाम नहीं रखूँगी जो बच्चे ने बनाया है जिनका बिजनेस है, अल्लाह उनको और तरक्की दे। लेकिन मैं साइरस सत्तानी स्टाइल में पिज़्ज़ा राइस का रेसिपी आप लोगों को पेश करूंगी और इंशाल्लाह ये इंजॉय वाला ब्लॉग डाल रही हूँ। आप लोग पसंद कीजिए, इंजॉय कीजिए जैसे हमने इंजॉय किया। ज़िंदगी इंजॉय करने के लिए होती है और उसके साथ नेक काम और नेक चीज़ें हमेशा साथ लेके चलना, अल्लाह कभी भी कोई चीज़ से मायूस नहीं करता है ये चीज़ों में। तो इंशाल्लाह मैंने कोशिश की थी कि मैं जो इंजॉय कर रही हूँ वो आप लोगों को पेश करूँ। आप मेरे हो, मुझे पता है कि मैं छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ। हाँ, पूरी चीज़ें नहीं करती पर जो चीज़ें हैं करनी चाहिए वो तो करती हूँ। तो जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह देखिए, इंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए कि मेरा नया व्लॉग कब आएगा। अल्लाह हाफिज़ और आप सबको जुम्मा मुबारक।